लोग एक आलू चीर करके आलू चिप्स बना रहे हैं, 10 पैसे का आलू नहीं है, वो 10 रुपए में बिक रहा है। तो इस तरह का कुछ भी लॉन्च करो, जैसे हम लोगों ने पापड़ लॉन्च कर दिए, जी आप पापड़ बेचो ना, इतना बड़ा हिंदुस्तान, मशरूम पापड़ बेचो, मशरूम के भुजिया बेचो, मशरूम के नमकीन बेचो। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज हमारे साथ है मोता राम शर्मा जी, जो कि मशरूम किंग के नाम से जाने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, अपने बारे में बताइए कुछ। नमस्कार जी, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। मैं पिछले कई साल 30 साल से मशरूम की फार्मिंग कर रहा हूं, और मुझे आइडिया इसलिए आया था कि पहले मैं आसाम में रहा करता था, तो वहां उस टाइम ही चाइना में मशरूम हुआ करती थी, वहां के लोग खाया करते, जो जो पुराने आदिवासी जो वैद्य वगैरह होते हैं, वो मशरूम की बढ़िया दवाएं देते थे, लोग ठीक होते थे। मैंने भी यूज किया, आज से 40 साल पहले मशरूम का मेरा अल्सर था, तो अल्सर का ट्रीटमेंट मैंने मशरूम से लिया था। उसके बाद में मैं कोई किसानी विसान कुछ नहीं था, मैं तो एक व्यवसायी आदमी था, और मैंने आसाम छोड़ करके राजस्थान में मशरूम की फार्मिंग चालू की थी आज से 30 साल पहले। और उस टाइम में हमारे राजस्थान के अंदर ऑयस्टर मशरूम का ही बोलबाला था आज से 30 साल पहले, बाकी मशरूम में लोग जानते नहीं थे। तो मैंने ऑयस्टर की थी, उसके बाद मैंने बटन मशरूम की थी। कोई भी मशरूम ले आप, चाहे बटन मशरूम है या ऑयस्टर मशरूम है, गेनोडर्मा है, सिटाके है, तो मैं करीब 15 या 16 तरह की मशरूमें उगाता हूँ। उनमें सबसे जो अहम मशरूम है वो कॉर्डिसेप ही है। तो कॉर्डिसेप मशरूम मैंने 2008 में मैंने गेनोडर्मा उगाई थी। तो गेनोडर्मा मैंने इसलिए उगाई थी कि डीएक्सएल मलेशिया की एक कंपनी है, वो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। आज से 15 साल पहले उसका लेख था कि 700 करोड़ रुपए सालाना इंडिया में इसका एक कैप्सूल फॉर्म में ये बेच रही है, और ये कैंसर में है, हेपेटाइटिस में है, HIV है, ऐसे रोगों में काम करती है। तो मैंने हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनसे मिल करके, और 2008 में मैंने इसको इंडिया में ग्रो कर दिया था, हिंदुस्तान का पहला आदमी था। और ये मुझे उसके लिए हमें ICR से पुरस्कार भी मिला था कि इन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार गेनोडर्मा की खेती की है। और जी मैंने इसके कई उत्पादन तैयार किए हैं, जैसे मशरूम के कैप्सूल्स हैं, इसका लिपिड फॉर्म में है, और कैंसर के बहुत लोग ठीक होते हैं हमारे यहाँ। जी जैसे आपने कहा कि आप तो आसाम में थे, तो मशरूम में जितना आइडिया मुझे है, थोड़ा सा नमी की ज्यादा जरूरत होती है। तो आपने ये राजस्थान में शुरू किया, बट राजस्थान में जब आप शुरू किया आपने, तब आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कैसे करें और सक्सेसफुल कितना होगा? नहीं, वो हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, खाली ये अच्छा 4 महीने जो सर्दियां होती है, गर्मियों की टाइम होती है ना, अच्छा उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं तो उसमें मिल्की मशरूम करते हैं अभी, क्योंकि ओके मिल्की मशरूम है जो गर्मियों की मशरूम है, थोड़ा पानी वानी स्प्रे करके हम नमी मेंटेन कर लेते हैं। ओके ओके। तो आगे बात अभी इस पे ही बढ़ाते हैं सर। मशरूम खेती में क्या-क्या चैलेंजेस आती है, और आप कितनी वैरायटी पे काम करते हैं, और क्या मशरूम की हर एक वैरायटी के अलग चैलेंजेस होते हैं, ये आप जरा विस्तार से बताइए सर। मशरूम की मैं 15-16 प्रजातियां ग्रो करता जी हूँ, जी और जैसे ओइस्टर जो जितने भी है 10-12 तरह के, उनका सेम प्रोसीजर है उगाने का। मिल्की मशरूम का अलग प्रोसीजर है, बटन मशरूम का अलग प्रोसेस है उगाने का, कॉर्डिसेप का अलग है, गेनोडर्मा का अलग है, हर मशरूम का अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग टेम्परेचर की मशरूमें होती हैं। अच्छा तो टेम्परेचर मेंटेन कुछ मशरूम है उसमें हमने ऐसी लगा रखे हैं उससे करते हैं, और होम्यूडिफायर लगा रखे हैं हमने, जैसे होम्यूडिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो 12 महीने विदाउट AC के भी फार्मर्स हैं, वो मशरूम कर सकते हैं। जैसे 5 महीने 4 महीने बटन मशरूम कर ली, 4 महीने ऑयस्टर कर ली, 4 महीने मिल्की मशरूम कर ली, तो हमारे किसान भाई 12 महीने मशरूम कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा लगा कि वैरायटी के हिसाब से वो टाइमिंग को भी अलग अलग रख सकते हैं, महीने जैसे आपने कहा। तो सर, अगर हम गिनोडर्मा मशरूम की ही बात करें, तो अगर स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात करें, तो इसके वो क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है, और क्या चैलेंजेस इसको उगाने के लिए होता है, ये आप बताइए।
गेनोडर्मा के कोई चैलेंज नहीं है, जो बाकी मशरूम में है उनसे सरल है। सरल है बल्कि। ओके ठीक हाँ, इसको लेब तो चाहिए ही, जैसे लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है। ये 100 डस्ट पर होती है। अच्छा 100 डस्ट हम शीशम का भी ले सकते हैं, जिसको टाली बोलते हैं। पॉपुलर तो हमारे राजस्थान में होती नहीं है, खेजड़ी हमारे होती है, उसके बुरादे में भी हो जाती है, बबूल के बुरादे में भी हो जाती है। उसका एक कंपोस्ट होता है, उसमें हम जैसे कुछ मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कुछ मात्रा में कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, कुछ मात्रा में गेहूं का जो चापड़ होता है आटा छानने के बाद में वो लेते हैं, और इसको हम 1 घंटे 120 डिग्री टेम्परेचर पर ऑटोक्लेव करते हैं, और ये तो वैसे 35 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाती है। अब रही बात इसकी, तो इसकी थोड़ी मार्केटिंग, अगर कोई बंदा गेनोडर्मा उगा करके सोचे भाई मैं किसी बड़ी कंपनी को दे दूं, तो वो संभव है नहीं, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो किसान को ही खाने वाले सब मिलते हैं। कोई कंपनी उसका माल खरीदने के तैयार होती नहीं है। किसान को खुद कोई आगे आकर के खुद को एक फैक्ट्री मालिक बनना पड़ेगा, तभी वो सक्सेस होगा मशरूम में। मशरूम में नहीं सक्सेस होने का कारण ही फार्मर्स का ये है कि वो अपनी प्रोसेस यूनिट नहीं लगाते हैं। प्रोसेस यूनिट लगा करके किसी भी मशरूम को रोका जा सकता है। जैसे अचार वगैरह बनाया जा सकता है मशरूम का, ड्राई फ्रॉम में उसका पाउडर बनाया जा सकता है, सूप लॉन्च किया जा सकता है, पापड़ लॉन्च किया जा सकता है। तो कोई भी मशरूम को अगर जब तक किसान अपनी प्रोसेस यूनिट नहीं डालेंगे, फार्मर्स उगा ली मंडी ले गए, तो वहां ही जाके घाटा होता है, वरना आपको रोक के रख सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें कॉर्डिसेप्स मशरूम का, ठीक है, तो इसमें सर मैंने जो सुना 2 लाख रुपए 1 किलो मशरूम का होता है, तो सर इसके फायदे बताइए, कैसे इसके पैदावार, क्या प्रोसेस है, आप इस पे बताइए प्लीज। देखे कॉर्डिसेप्स की तो आज से, जब हमने 20 साल पहले सोलन में ट्रेनिंग ली थी गेनोडर्मा की, जब हम ट्रेनिंग ली तो उस बुकलेट में एक कॉर्डिसेप्स मशरूम दर्शाया गया था। वो क्या थी, क्या उसका प्रोसेस था, वो हमारे साइंटिस्टों ने कभी दर्शाया नहीं था। अच्छा उसके लिए मैंने कई ट्रेनिंग वगैरह की है। मैं पिछले 6 साल से कॉर्डिसेप कर रहा हूँ। कॉर्डिसेप के अंदर आपको पूरा एक लेबोरेटरी ही चाहिए, और जो एक डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में जो जो चीजें लागू होती हैं वो सारी चीजें चाहिए। कॉर्डिसेप उगाने के लिए सबसे पहले लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है। उसमें एक ऑटोक्लेव हो गया, एक लेमिनार फ्लोर बॉक्स हो गया, एक रोटरी सेकर हो गया, बाकी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बाकी ये जो ब्राउन राइस है उसी पर ही ग्रो की जाती है, और ये वैसे 60 दिन का कार्यकाल होता है, और ये वैसे कैंसर सेल्स को मारने में भी सक्षम है, और जैसे डायबिटीज 2 को भी ये जड़ से मिटा सकती है। और जो कमजोर लोग होते हैं, जिनकी जो बुढ़ापा की तरफ जल्दी जाते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, तो उनमें भी इसकी एक अहम भूमिका होती है। और गेनोडर्मा, सिटाके, कॉर्डिसेप, ये तीनों मशरूम वैसे तो कैंसर के लिए ही होते हैं। कैंसर वैसे कोई बीमारी नहीं, हमारे इंडिया में तो इसको बहुत बड़ा रूप दे रखा है। भाई कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर कोई बीमारी नहीं है। कैंसर क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो हम ये जो पेस्टिसाइड डाला हुआ, आज गेहूं खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी विदाउट पेस्टिसाइड तो कुछ है ही नहीं, तो उससे जा करके हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B17 की कमी हो जाती है। तो शरीर के अंदर जो अनावश्यक सेल्स बनते हैं उसको बॉडी मार नहीं सकती है, उस वजह से अनावश्यक सेल्स का निर्माण हो गया, उसी का नाम कैंसर है। तो मशरूम में जैसे कॉर्डिसेप, गेनोडर्मा और सिटाके, इनमें बहुत तादाद में पॉलीसेक्राइड्स पाया जाता है, वो कैंसर का एंटीवायरस होता है। लॉन्ग टाइम अगर हम इसका यूज करें तो कैंसर से ही नहीं बल्कि बहुत रोगों से बच सकते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं ना, उसको ये बाहर निकालने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आजकल जो हमारे
फार्मर्स ही नहीं, आजकल के जो युवा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, वो नौकरी की तरफ दौड़ रहे हैं ना, तो मैं ये तो कहता हूँ कि उनको बढ़िया अपनी मशरूम की छोटी यूनिट से स्टार्ट करें वो। और एक भारत हमारा जो बीमार हो रहा है, सारी बीमारियां, उसको स्वस्थ करने में मदद करें। देश की कमाई तो है ही, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं तो एक बार आज से 15 साल पहले बाढ़ आया था, तो मेरी तो पूरी यूनिट ही ध्वस्त हो गई थी। मेरा तो कुछ भी नहीं बचा था, मेरे पास सिर्फ एक गेनोडर्मा मशरूम बची थी 3-4 क्विंटल। तब जा करके मैं उसी से खड़ा हो गया। आज मेरी जो यूनिट है, जो कॉर्डिसेप की गेनोडर्मा की, वो एक छोटी यूनिट नहीं है, एशिया लेवल की यूनिट है। मशरूम उत्पादन कह लीजिए, चाहे प्रोसेसिंग हो सकता है, या फिर कोई भी अपना छोटे यूनिट से शुरू करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपने अभी कहा कि आप छोटा ट्रेनिंग तो आप देते ही हैं फार्मर से, जिनसे आप थोड़ा बहुत फीस भी लेते हैं, तो आप इस पे कुछ बताइए कि एक ट्रेनिंग कैसे होती है, कोई ड्यूरेशन है, क्या है, कैसे? नहीं, हमारी अगस्त में ट्रेनिंग करवाते हैं बटन, ऑस्ट्रो और मिल्की की। प्रोसेस भी सीखना चाहता है, जैसे मुझे आचार है, पापड़ है, मंगोड़े, उस टाइम हम सिखाते हैं। उस टाइम हमारे यहाँ 50-50 बच्चे एक एक यूनिवर्सिटी के आते हैं, उनके साथ उनको ही लगा देते हैं, तो वो तो 2-2, 3-3 महीने रहते हैं बच्चे। तो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो पूरा सीख के जाते हैं। तो सर, अभी आप थोड़ी देर पहले आप फ्लड के बारे में आप बता रहे थे, जहाँ पे आपका पूरा सब कुछ खत्म हो गया था, ठीक है, सिर्फ आप गिनोडर्मा के साथ ही कुछ क्विंटल्स के साथ रह गए थे, तो वहां पे आपने कैसे अपने आप को संभाला, तो वहां से मैंने प्रोसेस यूनिट डाली थी। हमारे कई साइंटिस्ट भी आए थे, हमारे अब तो वो रिटायरमेंट हो गए। पहले एक बड़े साइंटिस्ट थे डॉक्टर वी विजय, हमारे जो सोलन में थे, डॉक्टर आर सी उपाध्याय साहब भी थे, और हमारे जयपुर रिसर्च सेंटर में एक जी जी चौधरी साहब थे, एक डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। बोले, यार आपका क्या डूब गया, आपके पास इतनी गेनोडर्मा पड़ी है, आप तो बहुत पैसे वाले हो। तब मैंने हौसला बुलंद था, और मधुब साहब ने मेरी बहुत मदद की उस टाइम में, तो मैं मधुब साहब का ऋणी हूँ। वैसे मधुब साहब ने ही मुझे ऊपर उठाया, उन्होंने मेरा एक लेख छाप दिया था आज जिंदगी में, भाई गेनोडर्मा क्या चीज होती है, बस वहीं से हमारे तकदीर खुले। तो अभी हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे सर, जैसे अगर मान लीजिए किसान मशरूम की खेती कर रहे हैं, ठीक है, मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें उनको अगर मार्केट में सही दाम, वैसे तो आपने अभी कहा कि सिर्फ बेचने से वो फायदा नहीं आता है जब तक आप प्रोसेसिंग नहीं लगाओगे, फिर भी अगर कोई चाहते हैं कि नहीं मशरूम से ही सिर्फ विदाउट प्रोसेसिंग, तो उनका वो रिटर्न वो कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको सही दाम कैसे मिल सकता है, और जो प्रोसेसिंग आपके आपसे सुन के इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगर कोई प्रोसेसिंग शुरू करना चाहते हैं तो उस पे ज़रा बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, ऐसा है, लोग एक आलू चीर करके आलू चिप्स बना रहे हैं, 10 पैसे का आलू नहीं है, वो 10 रुपए में बिक रहा है। तो इस तरह का कुछ भी लॉन्च करो, जैसे हम लोग ने पापड़ लॉन्च कर दिए, आप पापड़ बेचो ना, इतना बड़ा हिंदुस्तान, मशरूम पापड़ बेचो, मशरूम के भुजिया बेचो, मशरूम के नमकीन बेचो, वो हम सिखाते हैं। अब कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी किसान को, वैसे आगे आ नहीं सकता। और किसान खाली मशरूम फार्मिंग ही नहीं है, आज पूरे देश की जो इंडस्ट्री है वो किसान पर ही टिकी हुई है। किसान खेती अगर बढ़िया होगी तभी देश आगे बढ़ेगा, खेती से ही व्यापार चलेगा। तो किसान अगर जिस दिन खुद व्यापारी नहीं होगा, उस दिन किसान का भला नहीं होने वाला, कुछ भी लॉन्च कर सकता हो। लोग वो भोगलेर, क्या चक्री, क्या क्या मैदे के बने, हर दुकान में आज थैली टकी हुई है। उस थैली के साथ अगर हम मशरूम के भुजिए बना करके टांग दें, तो क्या हमारे मशरूम के भुजिए नहीं बिकेंगे क्या? तो उस तरह किसान को उस तर्ज पर आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और हम लोग तो जो मशरूम के बने उत्पादन देंगे वो कोई नुकसान नहीं करेंगे, वो अगले को स्वस्थ करेंगे। और मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जितने भी प्रोडक्ट टके हुए ना, हवा उसमें थैली को भर दी, वो सारे नुकसानदायक हैं, दुनिया उसको खा रही है। तो हम जब हमारे फार्मर्स उस तरह का कोई उत्पादन लॉन्च करे, जैसे मशरूम के बिस्किट बन सकते हैं, मशरूम के भुजिया बन सकते हैं, मशरूम की नमकीन बन सकती है, मशरूम की मंगोड़ी बन सकती है, मशरूम के बेला, मशरूम से कुछ भी बना दो,
हम तो जब सोलन में जाते हैं तो हम तो जो फार्मर्स की वो ट्रेनिंग वगैरह होता है उसमें मैं जाता हूँ, तो मैं तो यही की बात कहता हूँ कि मशरूम विथ हल्दी, मशरूम विथ मिर्ची, मशरूम विथ धनिया, कुछ भी लॉन्च कर दो। तो ये मशरूम बहुत बेचने अच्छा वाले आइडिया। आज मैं कर रहा हूँ, मैं कोई किसी मंडी नहीं जाता हूँ। मैं 2010 के बाद में किसी मंडी का रुख ही नहीं किया। मेरे 50 किलो पर डे का तो रिटेल काउंटर है मशरूम का, चाहे वो बटन हो, ओस्टर हो या मिल्की हो। बाकी मैं ओस्टर ड्राई करता हूँ, उसका पाउडर फॉर्म में बिकती है। अब थोड़ा सा तो उनको डटना पड़ेगा, किसान को कुछ तो अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, तब लोग अपने आप आएंगे आपके पास। मशरूम से खाली पैसा ही नहीं है, मशरूम से हम भी स्वस्थ रह सकते हैं और हम कितने लोगों को स्वस्थ, क्योंकि आने वाला हमारा जो देश है ना, जो इतना जहर खा चुका है कि आज हर घर में किसी के कैंसर है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो हम इन सब रोगों से बच सकते हैं। जी, तो सर अगर हम बात करें भारतवर्ष का, तो भारतवर्ष में कौन से मशरूम की ज़्यादा डिमांड है? और अगर आप इंफॉर्मेशन या नॉलेज के बारे में कहें, क्या सच में आपको लगता है कि भारत में लोगों को आइडिया भी है कि मशरूम इतना फायदेमंद है? तो इस पे ज़रा बताइए। अभी इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर ही बिकती है खाली बटन मशरूम, क्योंकि बटन का लोगों को ज्ञान है, बटन के अंदर होते हैं 25% प्रोटीन और बॉडी अच्छा, डाइजेशन करती है उसको 25%। ओइस्टर मशरूम के अंदर प्रोटीन होते हैं 50% और 100% डाइजेशन होते हैं बॉडी में, और ओइस्टर मशरूम हमारे यहाँ कम खाते हैं। आज चाइना पूरे विश्व का 70% मशरूम ग्रो करता है पूरे वर्ल्ड की। 70%। हाँ, और उसकी 30% मशरूम जाती है वो अमेरिका अकेला खरीद रहा है, और वो लोग खुद भी खाते हैं। हमारे यहाँ तो जीरो, कितने जीरो लगाएं फिर भी अगर हम 2% भी बोल दें तो भी लोग नहीं खाते। और हमारे इंडिया के अंदर जो हम लोग पोशाक देते हैं बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को भी हम पोशाक के रूप में देते हैं, तो उसकी जगह महिलाओं का ग्रुप बना करके उनसे मशरूम ग्रो करके वो देने चाहिए। भाई मशरूम तो किसी भी उम्र का कुपोषित, इससे बढ़िया तो हाई प्रोटीन का कोई चीज भी नहीं होता है। तो हमारी पूरे देश की जो स्टेट की जो सरकारें हैं वो भी इस पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास इंडिया में है क्या मेडिकल, तो हमारी जो है मेडिसिन एलोपैथिक उसका तो 95% हम साल्ट बाहर से ले रहे हैं। जी हमारी यही जड़ी बूटियां और ये जो मशरूम जैसी चीजें अगर हम ग्रो करें तो बहुत रोगों में विजय पा सकती है मशरूम, बहुत रोगों से बचा सकती है आपको। जी तो इसी पे आप सर मुझे एक बात बताइए, आप मशरूम के ऊपर दवाइयां बनाते हैं, तो कौन से मेडिसिन है, कौन से मशरूम से, उससे थोड़ा विस्तार से बताइए। हम लोग गैनोडर्मा मशरूम से और सिटाके मशरूम की तो मेडिसिन बनाते हैं हम। बाकी मशरूम जैसे उसके हम लोग फूड सप्लीमेंट में काम में लेते हैं, कई फूड आइटम बनाता हूँ। फूड सप्लीमेंट। डायबिटीज के लिए लिक्विड बना रहा हूँ जो ऑयस्टर और गैनोडर्मा का होता है, जिसमें जैसे किंग ऑयस्टर है, पिंक योज है, ब्लैक एयर मशरूम आती है एक जिसको, तो कई मशरूमें हैं। ठीक। तो और इसका अगर जो हमारे किसान भाई सोचे कि मेडिसिनल वैल्यू के साथ ही सोच के वो मशरूम का फार्मिंग करना चाहे, तो उनके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? भाई, एक बार मैं किसान से यही कहूंगा कि पहले वो मेडिसिन में नहीं आ करके एक बार साधारण मशरूम में उगाएं अच्छा, और धीरे धीरे अपना ग्राउंड बनाएं, उसके बाद मेडिसिनल मशरूमों में आए। क्योंकि पहले ही अगर वो मेडिसिन में आ जाता है, कल को सेल नहीं होती है तो किसान के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो मेरा किसान भाइयों में से ये होता कि एक बार नॉर्मली मशरूमों में आए और धीरे धीरे वो डटे रहें 5-10 साल, अपने आप सारी लाइनें, क्योंकि मशरूम जब वो खुद खाएंगे तो उनका ब्रेन खुद ही कंप्यूटर हो जाएगा, खुद ही वो करेगा भाई क्या करना है। ये बहुत अच्छी बात कही है सर आपने कि उनको सबसे पहले तो खुद को ही फायदा होगा, जिससे वो आगे हाँ और अपना फायदा कर सकते हैं। जी, तो सर इसी बात पे हम आपसे पूछेंगे कि सर आप पीछे बता रहे थे कि आपको कई सारे आपको पुरस्कार से नवाजा गया है, सर उस पर जरा बताइए हमें, दर्शकों को साथ शेयर कीजिए। मैं वैसे
पुरस्कारों में मैं सेंचुरी लगा चुका हूँ, 100 पुरस्कार ले चुका हूँ मैं, जिला स्तर में, राज्य स्तर पे, नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर। जी मैं वैसे कृषि रतन, कृषि सम्राट, मशरूम किंग और हिंदुस्तान का मैंने सेकंड पुरस्कार मशरूम की दुनिया में लिया है, और इजराइल भी मैं गया हूँ, वहाँ भी मुझे सम्मान मिला है, और आज मैं लंबा मशरूम का काम करता हूँ। और ये जो मैं मेरा ऑफिस में बैठा हूँ ना, जी इसमें मैंने जो वाल है ना, उस पर मैंने पेंट नहीं किया है, मैंने पुरस्कार की दुनिया में सेंचुरी लगाई है, शायद ये सर्टिफिकेट ही लगे हैं मेरे पूरे ऑफिस में। जी अभी हमारा खाली एक मशरूम उगाने का है, जी वो हमने इजराइल में देखी थी, मैजिक मशरूम, मैजिक जिसका मशरूम जिसका इंग्लैंड में लोग ग्रो करते हैं, तो वो वैसे वो बढ़िया मशरूम है, वो भी ज्यादा लेने से उसे नशा होता है, अच्छा ओके मगर वो भी बहुत रोगों में काम करती है। अच्छा तो सर इसी बात पे, जैसे आपने कहा कि मैजिक मशरूम, क्या फ्यूचर प्लान है आपका, प्लीज शेयर कीजिए मशरूम के बात से लेकर के। मैजिक मशरूम एक बहुत मतलब उच्च कोटि की मशरूम है, वैसे कॉर्डिसेप की जितनी तो नहीं है, मगर उसकी कई चीजें बनती हैं। वो जैसे वो हमारे जो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ड्रिंकर्स हैं, तो उसकी एक पत्ती या थोड़ा बहुत भी काढ़ा टाइप से ले लेंगे तो वो उतना नशा भी करेगी वो, और वो उनको फायदा करेगी, ये दारू वारू से ही उनका पीछा छूट जाएगा। तो इस तरह की कई मशरूमें आते हैं। तो मैंने हमारे साइंटिस्टों को कह रखा है, भाई आप मैजिक मशरूम का कल्चर तैयार करो, हम उगाएंगे, क्योंकि कई मशरूमें मैंने उगाई है इंडिया में पहले। इसके लिए सर टूल्स फिला के टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं रही कि आप बिल्कुल इसको उगाएं, और ताकि भारतवर्ष में इस ये आए और काफी लोगों को फायदा हो। बल्कि आपने कहा कि इससे नशा होता है, बट मैं तो ये कहूंगी कि हमारा विषय ये रहेगा कि जिससे लोगों से ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो सर यहाँ एक तरफ होता है जो इंसान लाइक फार्मर्स ये कहते हैं कि मशरूम से कोई ऐसा फायदा नहीं है या फिर फ्यूचर नहीं है, और जहां आपने इतने पुरस्कार कह लीजिए या इतने सारे इन्फॉर्मेशन अभी आपने पिछले आधे घंटे से दिया, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा जो इस तरीके से सोचते हैं सर? मशरूम कोई घाटे का सौदा नहीं है, काम थोड़ा सिस्टम से होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, लोन वगैरह सब्सिडी के चक्कर में लोन ले देते हैं, और मशरूम में नहीं सक्सेस होने के 3-4 कारण होते हैं। पहला, सबसे पहला कारण तो होता है कि उसको पूरा अनुभव नहीं होता है। दूसरा कारण होता है कि जो मशरूम का बीज को स्पान बोलते हैं वो सही नहीं मिल रहा है उसको। तीसरा होता है कि वो समय पे तुड़ाई नहीं करे, वो बेच नहीं सकता है। और सबसे बड़ा कारण मंडी होती है, मंडी में नहीं जा करके डायरेक्ट मार्केट में उसके उससे बटन उगा रहे, तो उसमें घाटा क्या है? मशरूम बिकती है 100 रुपये किलो, अचार आप 200 रुपये किलो बेचो ना, कौन मना कर रहा है? और उसी मशरूम को आप किसी चौराया पर ठेला लगा करके पकौड़े बनाकर बेचो, 200 रुपये किलो बिकते हैं। तो मेहनत तो किसान को करनी पड़ेगी, और जब तक किसान प्रॉपरली मेहनत नहीं करेगा तब तक भला होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। तो सर आप हमें ये बताइए, क्या गवर्नमेंट मशरूम की खेती के लिए कोई स्कीम या कोई सब्सिडी हमारे किसान भाइयों को देती है स्पेसिफिकली मशरूम के खेती के लिए? देखिए, आपके हरियाणा में हर किसान को जो कच्चा झोंपड़ा है उसके 10,000 रुपये प्रति झोंपड़े का देती है। हिमाचल में है, उड़ीसा में है, कई स्टेट में मशरूम को कृषि का दर्जा भी दिया है। वहाँ जो ऐसी फार्म लगाए तो उसमें जो बिजली की जो रेट है वो कृषि के दायरे में आते 1 रुपया, बाकी पूरे भारत में लागू नहीं हुई है। और हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो हमारे इंडिया का है उसमें 35% सब्सिडी है मशरूम में, मगर मैंने कभी कोई सब्सिडी या कोई लोन लिया नहीं। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे सोच, जो भी आप शोध कर रहे हैं उसके लिए, और आपका कीमती समय हमारे साथ देने के लिए और इतना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मैं आशा करती हूँ हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा इस इंटरव्यू से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद सर आज के लिए आपको। धन्यवाद धन्यवाद सर।